हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन गुप्ता आप सबको स्वागत करता हूँ। तो आज हम आगे अपने डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आज ये नई वीडियो लेके आया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी पढ़ाई ध्यान से करना। आगे स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हमने हेट्रोडॉन डेंटिशन तक कर लिया था, मतलब हमने टीथ का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब हमारा हमने क्या पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ और बकल कैविटी उसके बाद ईसोफेगस फिर फैरिंग्स उसके बाद स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद एनएस। तो हमारा माउथ और बकल कैविटी कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमें ईसोफेगस के बारे में पढ़ना है, फिर यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, एलिमेंट्री कैनाल पार्ट सेकंड, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में पढ़ने से पहले ना हम लोग फेरिंग्स के बारे में जानेंगे, फेरिंग्स क्या होती है। तो फेरिंग्स डाल लो पहले हेडिंग। अब फेरिंग्स में ना इसमें लिख लेना, ये होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है। यहीं से हमारा फूड पास होता है, स्टमक में जाता है, और यहीं से हमारी एयर पास होती है, ठीक है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये लिख लेना पॉइंट। उसके बाद एक बार हम इसके डायग्राम पे देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं छोटी सी। तो पहले तो सर्कल बना लेना, ये थोड़ा खराब बन गया। यार एक सर्कल नहीं बनता, बताओ क्लीन बोर्ड के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये सर्कल बना देना,
ये फेरेंजियल और ट्यूबल जो हो गए ना, ये अपने नोज के पार्ट हो गए, नोज नेसल, ठीक है, या फिर नाजो लिख लो। उसके बाद ये पैलेटीन जो होते हैं, ये पैलेटीन, ठीक है, और उसके बाद ये लिंगुअल, लिंगुअल, ये अपना ईसोफेगस का पार्ट हो गया, या फिर इसे बोल दो टंक, टंक का पार्ट हो गया ये जो लिंगुअल है ना, ये टंक का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें ना फेरिंग्स में ना हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ये बीमारी समझ लो या फिर गांठे समझ लो, ठीक है, टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज बोलते हैं टॉन्सिल्स को, ठीक है। लिख लो ए, अच्छा जो फेरिंग्स हो गया ना, इसका जो अनदर नेम होता है, अनदर नेम जो है ना वो इसका थ्रॉट है, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना, ये पॉइंट लिख लेना स्टार मार्क डाल के, इट इज दी कॉमन साइट ऑफ इलनेस, ठीक है, इससे थकावट ज्यादा होती है, बुखार चढ़ने की ज्यादा होती है, क्योंकि इंक्लूडिंग सोर थ्रोट, टॉन्सिलिटीज, ठीक है, टॉन्सिलिटीज अपना ही हो गया टॉन्सिल्स, ठीक है, जो गांठे बन जाती हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं ना अभी चेक करके कि गांठे बन रही हैं, ठीक है, इसकी दवाइयां भी आती हैं। तो ये स्टार मार्क डाल के पॉइंट लिख लेना, इट इज द कॉमन साइट ऑफ इलनेस सोर थ्रोट एंड टॉन्सिलिटीज, पॉज करके लिख लेना इसे। ठीक है, तो फेरिंग्स अपना इतना ही है, इसे पॉज करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आते हैं हम ईसोफेगस पे, थिन लॉन्ग ट्यूब, पासिंग थ्रू नेक थोरेक्स एंड डायफ्राम leads to the stomach, thin long tube passing through neck, thorax and diaphragm leads to the stomach,
गैस्ट्रो गैस्ट्रो ईसोफेगल गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर विसरल पेरिटोनियम एब्सेंट लिख लो पहले फिर समझाता हूं ठीक है। आउटर फाइब्रस ट्यूनिका एडवेंशिया अब गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर पता क्या होता है मैं बताता हूं। गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर होता है कि ये जो स्फिंक्टर होता है ना ये अलाउ करता है फूड और एयर को फूड को जो ईसोफेगस स्टमक में जाने के लिए ठीक है। और उसके बाद विसरल पेरिटोनियम पेरिटोनियम हमारी एक थिन मेम्ब्रेन होती है ठीक है जो एक्सटर्नल सारे ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती है ठीक है एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है हर एक अब्डोमिनल ऑर्गन पे या किसी भी ऑर्गन पे बॉडी पे ठीक है। तो ये इसमें एब्सेंट होती है ठीक है। लिख लो भाई। उसके बाद अब हम इसके एपिथेलियम पे आते हैं। स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथीलियम लिख लो भाई लिख लो। इसमें जो मसल्स का जो है एपिथीलियम होता है वो देख लेते हैं लिख लो पहले इतना ही लिख लो पॉज करके लिख लेना भाई ये सारे नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉज करके लिख लेना अच्छे से। मसल्स पे आते हैं अपर वन थर्ड स्टेरिएटेड स्टेरिएटेड और लोअर टू थर्ड नॉन स्टेरिएटेड स्टेरिएटेड नॉन स्टेरिएटेड ये लोग आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना इन दोनों का मतलब क्या होता है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको ठीक है। बाकी ये चैप्टर आएगा अपना एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 12th में है 11th में 12th में ठीक है तो उसे हम देखेंगे आगे जाके इसमें ठीक है।
और मसल्स म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आर एब्सेंट प्रेजेंट सॉरी ठीक है। ईसोफेगस के अंदर हमारा एक भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, बिल्कुल इस बात को याद रखना, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा ईसोफेगस के अंदर नहीं होता ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट ठीक है, तो लिख लेना ईसोफेगस ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ईसोफेगस के बाद आता है अपना स्टमक, द जे शेप्ड बैग। स्टमक लिख लेंगे द जे शेप्ड बैग लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द अबडोमिनल कैविटी। ठीक है, जे शेप बैग होता है ये ठीक है, लेफ्ट अपर साइड पोर्शन में, लेफ्ट अपर साइड पोर्शन में अबडोमिनल कैविटी। अबडोमिनल कैविटी हमारी ये वाली होती है ठीक है, ये वाली अबडोमिनल कैविटी ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड अपर पोर्शन, लेफ्ट साइड अपर पोर्शन दैट मींस इधर को, ये हमारा स्टमक होता है यहां पे ठीक है। उसके बाद इसके चार पार्ट्स होते हैं, हैविंग फोर पार्ट्स पहला पार्ट आ जाता है कार्डियक पोर्शन, into which esophagus opens fundic region the main body main central portion or and the last one is the pyloric region the one which opens into the first part of the small intestine
लिख लो पहले फिर समझाता हूं। ठीक है, तो कार्डियक पोर्शन वो होता है जिसमें ईसोफेगस खुलती है। ठीक है, बॉडी वो होती है जो हमारा मेन सेंट्रल पोर्शन होता है जहां पे हमारा सारा खाना स्टोर होता है, और पाइलोरिक रीजन वो होता है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, ड्यूओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूओडेनम। तो आगे फिर इसमें हेडिंग डाल लेना स्टमक में ही, सब हेडिंग डाल लेना डोर्सल मेसेंट्री ऑफ स्टमक। सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें लिख लेना, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम टिश्यू, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम टिश्यू विच अटैचेस स्टमक to the posterior posterior wall of abdominal cavity, posterior wall बोल लो या फिर posterior abdominal wall ही बोलो, सिर्फ ऐसा करो, posterior wall रहने दो, posterior abdominal wall called the greater omentum, called the greater omentum, greater omentum या मेरे dorsal mesentery of stomach। इसमें ये बताया है fold of peritoneum tissue, रहने दो टिश्यू मत लिखना। ठीक है, जो ये टिश्यू रहने देना, ठीक है, पेरिटोनियम ही लिख लेना, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैचेस स्टोमक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कॉल्ड द ग्रेटर ओमेंटम। ये पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम टिश्यू का एक ही फोल्ड होता है, ठीक है, जो कि जो स्टमक को है ना वो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था, वो याद कर लेना और उसे लिख लेना। ठीक है, और कमेंट्स में बताना क्या होता है पोस्टीरियर, मतलब जिसने लिखा होगा वो मेरे को बता देगा याद करके। ठीक है, पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल को, स्टमक को पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैचेस स्टमक टू द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल कॉल्ड द ग्रेटर ओमेंटम, और इसी चीज को हम ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं, और इसी को पूरे को मिला के हम बोलते हैं डोर्सल मेसेंट्री ऑफ द स्टमक। ठीक है, या क्या समझ में? तो स्टमक के हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, तो अब आ जाता है ना रूमिनेंट स्टमक। रूमिनेंट स्टमक में सबसे पहले जो हमारा एनरोबिक बैक्टीरिया जो होता है रूमिनेंट्स में, वो होता है हमारा रेम्यूनोकोकस।
ह्यूमेनोकोकस, ह्यूमेनोकोकस, ठीक है। अब जो र्यूमेन होता है ना, र्यूमेन लार्जली मेंट फॉर स्टोरेज। अच्छा र्यूमिनेंट, जो र्यूमिनेंट स्टमक होता है, र्यूमिनेंट एनिमल्स हमारे क्या हो गए, जैसे काऊ, बफेलो, कैमल, ये सब हमारे र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनके पास हमारा र्यूमिनेंट स्टमक होता है। तो र्यूमिनेंट स्टमक वो होता है जिसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा है गाय जुगाली करती रहती है, ठीक है, गाय जुगाली करती है तो क्यों करती है, वो जितना खाती है वो अपने पेट में एक साइड में रख लेती है, उसका एक वेकेंट स्टमक होता है, र्यूमिनेंट स्टमक होता है, ठीक है। चार चैम्बर्स होते हैं गाय के पेट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद र्यूमिनेंट स्टमक में वो अपना सारा खाना पचा वो कर लेती है, स्टोर कर लेती है। उसके बाद जब उसे भूख लगती है तब वो वापस मुंह में लाके उसे जुगाली करती है, ठीक है। तो वो हमारे सिर्फ वो हमारे पास नहीं होता, ठीक है, वो हमारे पास नहीं होता, ये सारे र्यूमिनेंट एनिमल्स के पास होता है। र्यूमिनेंट स्टमक ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन लिख लेना, कैमल, डियर, ओमेसम, एब्सेंट, वाटर पॉकेट्स, प्रेजेंट। वॉटर पॉकेट्स प्रेजेंट में लिखना, प्रोजेक्ट फ्रॉम र्यूमेन। ठीक है, अब इसके बाद ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इसी र्यूमिनेंट चमक में, ठीक है, वो वर्ड देख लो एक बार, ये लिख लो पहले ये पूरा, मैं ठीक है लिख लो, ये र्यूमिनेंट स्टमक लिख लेना पूरा, पॉज करके लिख लेना भाई, सब लोग लिख लेना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, सूडो र्यूमिनेशन। सूडो र्यूमिनेशन, सूडो इसमें मतलब फॉल्स मत समझना, सूडो मतलब होता है फॉल्स, लेकिन ये डेफिनेशन अलग है, ये वर्ड अलग है, इसका मीनिंग अलग है। रैबिट के जैसे और कई जानवर भी, एनिमल्स लाइक रैबिट ईट देयर ओन फीसेस टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। इसमें क्या होता है सूडो र्यूमिनेशन में, रैबिट की तरह और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने फीसेस खुद को खा, वो अपने फीसेस खुद खा लेते हैं, जिससे उनका सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है, जैसे ग्रास वगैरह खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो उनमें सेल्यूलोज होता है, तो जिससे वो सेल्यूलोज का डाइजेशन उनका कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, तो इसलिए वो अपने फीसेस खा लेते हैं। फीसेस मतलब
कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उनका वेस्ट मटेरियल जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में पॉटी बोलते हो, ठीक है, तो अपनी पॉटी खा लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क से मार्क कर लेना इसे, पॉज करके लिख लो भाई। लिख लिया? तो अब हम आते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इनका जो रास्ता होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है ना, डायमीटर बड़ी गुचुड़ बुचुड़ सी लगी रहती है वो, ठीक है, बड़ी गुचुड़ बुचुड़ सी लगी रहती है इस टाइप की, ठीक है। तो वो हमें अच्छे से दिख नहीं पाती, कि वो हमें लगता है कि वो छोटी सी है, ठीक है। लेकिन जब उसका डायमीटर पता चला ना हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को, ठीक है, तो उसका डायमीटर निकला 6.25 मीटर लॉन्ग। जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले इसको कैलकुलेट करके देख लेना फीट में, 6.25 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो इस टाइप की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर होती है, ठीक है। ये थोड़ा गंदा सा हो गया, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, बोर्ड का नजायज फायदा उठा रहा हूं मैं, बोर्ड को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसका डायमीटर लिख लेना, सिक्स पॉइंट टू फाइव मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन के ना थ्री पार्ट्स होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट आ जाता है हमारा ड्यूओडेनम, इसका जो डायमीटर होता है ये कितनी लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा जेजियोनम, ये भी 2.5 होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड पार्ट इलियम, ये 3.5 सेंटीमीटर होती है। बोथ जेजुनम एंड इलियम आर ग्रेटली कॉइल्ड। They are suspended by a mesentery. तो जेजुनम और जो इलियम होती है बहुत ज्यादा greatly coiled होती है, बहुत ज्यादा मिली हुई होती है एक दूसरे में, ठीक है, बहुत ज्यादा greatly coiled होती है और suspended होती है एक mesentery से, ठीक है। अब इसमें जो मिक्योजा होता है ना, मिक्योजा, मिक्योजा
हैज सर्कुलर फोल्ड्स कॉल्ड द पिलिका सर्कुलर। ठीक है, इसमें एक स्टार पॉइंट मार के एक चीज लिख लेना, डिफ्यूज्ड पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। डिफ्यूज पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर अरेंज्ड इन इलियम टू फॉर्म पायर्स पैचेस। एक मिनट, तो ये लिख लेना, ठीक है, आप समझ लेते हैं इसे। शुरू से समझा रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो अपना 6.25 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा। उसके बाद इसके तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहले वाला ड्यूओडेनम होता है, फिर दूसरा जेजुनम, फिर तीसरा इलियम। ड्यूओडेनम का जो ड्यूओडेनम 2.5 सेंटीमीटर होती है, जेजुनम ये भी 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इलियम जो है वो होती है 3.5 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। तो इसमें जो जेजुनम और इलियम जो होती है ना, वो ग्रेटली कॉइल्ड होती हैं, एक दूसरे में रहती हैं बहुत ज्यादा, उसे कुछ छुड़ा नहीं सकता कोई। उसके बाद एक मिसेंट्री से सस्पेंड होती है, और इनमें जो म्यूक्योजा होता है ना, उसमें सर्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पिलिका सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें डिफ्यूज पैचेस जो होते हैं ना लिम्फोइड टिश्यू के, डिफ्यूज मतलब जो निकल चुके हैं, डिफ्यूज पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और इलियम में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इलियम में अरेंज होने के बाद ये पायर्स पैचेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रख लेना, पायर्स पैचेस, नीट वालों ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद अब हम इसके पार्ट के अब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिसाइड वो आगे बढ़ेंगे, जो है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लिख लो सब कुछ, रब कर दूं। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल आज, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद। लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं, यहां पे तो मार्कर ही नहीं चल रहा, मार्कर क्यों नहीं चल रहा यार, लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। ये दिख नहीं रहा ना, अब दिख रहा होगा शायद,
देख लो आप लोग फिर कैमरे में बता देना मेरे को, कमेंट्स में डाल देना। ये पता नहीं बोर्ड इतना गंदा कैसे हो गया, ये डस्टर के कारण हुआ ये। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका डायमीटर क्या होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अपेंडिक्स निकलेगा एक, ये है ईएम की कॉइल, यहां से पास होगी। ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद ये असेंडिंग कोलोन, के बाद फिर आएगा डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद जीनियल कोलाई, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस। ये आएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इलियम, इलियोसिकल वॉल्व, एच ए होस्ट्रा, तो ये डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसे एक बार देख लो अच्छे से, इसे बना लेना। ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है, ये सिग्मोइड कोलोन है, ये रेक्टम है, ये एनस है, ठीक है। और ये जो चीज होती है रेक्टम, ये होती है फीसी स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद ये इलियम गई है, इलियम कनेक्ट हो रही है इसमें। उसके बाद ये इलियोसिकल वॉल्व है,
उसके बाद अब हम इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। ये पॉज करके बना लेना सब। सीकम लिख लेना। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम में स्मॉल ब्लाइंड सैक विच Small blind sac which hosts some symbiotic microorganism. NCERT के लाइन है, मार्क कर लेना NCERT के अंदर। सीकम होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे आप कलोन लिख लेंगे। असेंडिंग कलोन इज द स्मॉलेस्ट एंड lack of mesentery. Wall of colon has a sac like hostra. Wall of colon show presence of fur-filled projection called epipopilic epipoploic appendages. Cecum small blind sac which hosts some symbiotic microorganism. ठीक है, उसके बाद colon ascending colon is the smallest and lack of mesentery. Ascending colon जो होता है वह सबसे छोटा होता है, ठीक है, और उसमें मेसेंट्री बहुत कम होती है, बहुत कम, लैक ऑफ मेसेंट्री मतलब होती नहीं बिल्कुल एक तरीके से मान लो। और जो कलोन की जो वॉल होती है, ठीक है, उसके पास एक सैक होता है, एक बैग समझ लो, सैक, सैक लाइक हॉस्ट्रा, उस चीज का नाम होता है हॉस्ट्रा, ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद जो वॉल ऑफ कलोन होती है प्रेजेंस, वो प्रेजेंस दिलवाती है, वॉल ऑफ कलोन शो प्रेजेंस ऑफ फर फिल्ड प्रोजेक्शन। फर फिल्ड प्रोजेक्शन होते हैं जिसको एपिप्लॉइक अपेंडेजेस बोलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना जरा। इसको सीकम में लिख लेना। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स
अराइज फ्रॉम सिकम। Which is vestigial in humans? उसके बाद इसमें एक इसका डिसऑर्डर भी होता है, डिसऑर्डर मान लो या कुछ और मान लो, ठीक है, तो वो एनएस में हेडिंग डाल के लिख लो या किसी में भी लिख लो, तो उसे बोलते हैं हम पाइल्स। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स ऑफ एनल कॉलम इन एनल कैनाल कॉल्ड हेमरॉइड्स या पाइल्स। स्टार मार्क करके लिख लेना। ठीक है, अब यहां पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल फिनिश होता है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा फिनिश है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को पूरा फिनिश करने से पहले हम उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, पाइल्स तक हो गया। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, तो अब इसको पहले लिख लिया ना सब लोग पॉज करके अच्छे से। अब हेडिंग डाल देना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप नहीं बोल सकते उसे, इजी सा है। ठीक है, बस उसमें सर्कल्स बनाने हैं। तो पहले हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, इसको साइड में बनाता हूं मैं, जिससे मैं लिख भी पाऊं थोड़ा सा। मैं बोर्ड भी छोटा सा ही बनाऊंगा, आप लोग कॉपी में अच्छा बड़ा बनाना। ठीक है,
आउटर मोस्ट लेयर जो ये बनाई है मैंने, ये बनाई है सेरोसा। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, देख लेना एक बार। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये सब में कौन हो जाएगी। म्यूकोज़ा, इसके बाद ही आ जाएगी। ल्यूमेन, माइसनर्स पैचेस हो जाएगा और रेमॉक्स प्लेक्सस। सेरोसा में लिख लेना, मेसोथेलियम, विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज। आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों को हम बोलेंगे मस्क्यूलरिस लेयर। इसको मस्क्यूलरिस लेयर बोलेंगे। उसके बाद सबम्यूकोज़ा में आते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ सम नर्व्स, ब्लड लिम्फ, लिम्फ ब्लड लिम्फ वेसल्स, ये लिख लेना ये सब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो म्यूकोजा हो जाएगी ना, इसकी हमारी तीन लेयर आ जाती हैं। मस्क्यूलरिस म्यूकोजा, उसके बाद लैमिना प्रोपराई, लैमिना प्रोप्रिया, एपिथीलियम। अच्छा, ये जो हिस्टोलॉजी है ना, इसके अंदर इस डायग्राम में हमारी दो चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है।
ठीक है, इसमें मेरी दो चीजें प्रेजेंट हैं, तो उन दो चीजों का नाम मेरे को ढूंढ के बताना कि मैं किन दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, कमेंट्स में बताना मेरे को, ठीक है। तो उन दो चीजों का नाम मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर वो दोनों चीजें मेरे को कमेंट करके बताना, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसके ऊपर शायद मैं वीडियो के बाद में क्वेश्चन डाल दूं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस देखना, ठीक है। तो अभी ये हिस्टोलॉजी में इतना कर लिया है हमने, ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो इसमें जितने तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट सेकेंड है, ये वाला जो पार्ट पूरा कराया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो हमारी पूरी, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है। अब अगली क्लास में हम बस इसकी एक दो चीजें और बची हैं, वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये पार्ट वन, और जिसने पार्ट वन ना देखा हो, पार्ट वन देख लेना जाके, ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और हैं, वो डिस्कस करेंगे, और आगे अब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे वीडियो में आगे क्वेश्चंस देख लेना, वही दो तीन क्वेश्चंस होंगे जो जितना पढ़ाया उसके ऊपर, उसमें कमेंट्स में आंसर दे देना उसका, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, हैंडराइटिंग में थोड़ी सुधार लूंगा, ठीक है, मेरे को पता है, तो अभी अभी बोर्ड जो है उसके ऊपर हैंडराइटिंग थोड़ी जम नहीं रही है, ठीक है, तो हैंडराइटिंग में सुधार लूंगा। और अगर पढ़ना अच्छा लगा हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, उसे हेल्प चाहिए होगी तो उसे शेयर करना, ठीक है। उसके बाद आज के लिए हम बस यहीं पे एंड करते हैं अपनी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थैंक यू।